ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां हर रोज़ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे यदि आपके घर की बरकत चली गई है, आप पैसा तो अच्छा कमाते हैं लेकिन वह आप बचा नहीं पाते हैं और पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हो गया, तो ये उपाय करने से आपके घर में बरकत आएगी, माँ लक्ष्मी आ जाएंगी। और यदि आपके बहुत तंगी है पैसों की, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो भी जो हम उपाय बताने जा रहे हैं करने से आपकी इस पैसों की सारी तंगी खत्म हो जाएगी और आप अच्छा धन कमा पाएंगे। लेकिन जिससे पहले आगे बढ़े हम आपसे कहना चाहेंगे, पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इनका पूर्ण लाभ उठा सके। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, आप माँ लक्ष्मी की पूजा हर दिन करें। दोस्तों माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा जरूर कर लें, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम है। उसके बाद आप नारायण के साथ भी लक्ष्मी मैया की पूजा कर सकते हैं या गणेश जी के साथ भी माँ लक्ष्मी की पूजा करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र की एक माला अवश्य करें और चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ माँ लक्ष्मी को केसर से सने हुए यानी केसर में भीगे हुए चावल चढ़ाएं रंगे हुए, और उसके बाद आप उन चावलों को थोड़े थोड़े चावल आप हर दिन चढ़ाएं। उसके बाद जब एक महीना ऐसा हो जाए करते हुए, तो दोस्तों आप उन चावलों को एक लाल कपड़े में बांध लें और अपने तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं रख लें। इससे आपके घर में धन की बरकत होगी और यदि धन अच्छी मात्रा में नहीं आ पाता था, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो वह भी अच्छी होने लगेगी और आप अच्छा धन कमा पाएंगे, आपके नए नए धन मार्ग के रास्ते खुल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों कभी भी खाना आप दक्षिण की तरफ मुख करके ना खाएं, ध्यान रखें जब भी भोजन करें आप उस भोजन करते समय उत्तर या फिर पश्चिम का ही रुख करें, इसी तरफ आपको बैठ के खाना खाना है, ये बहुत शुभ माना गया है। इसी के साथ यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही है और काफ़ी कमज़ोर है, पैसों की तंगी है, तो ध्यान रखें रात में कभी भी दूध दही का सेवन ना करें, इससे पैसों की तंगी और बढ़ जाती है। इन बातों का आप ध्यान रखें, जो उपाय बताए हैं हमने आप वो करें और जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखें। दोस्तों आप अपने जीवन में इसके बाद अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हाँ थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, अच्छे कार्यों में समय लगता है, लेकिन आप अपना कर्म करते रहें, कर्म प्रधान है, और भगवत माता रानी पर भरोसा बनाए रखें, आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। और चावल की ये पोटली जो है आप तिजोरी में रख के देखें, आपके धन में बरकत भी होगी और आपके नए नए धन मार्ग के रास्ते खुलेंगे, आप अच्छा धन कमा पाएंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।